अब एक और बात बताएं, भगवान जो होते हैं ना अपने लोगों को बहुत प्रेम करते हैं, चाहे राक्षस हो चाहे भक्त हो, प्रेम ज्यादा करते हैं। अब एक उदाहरण, अच्छा बताओ भगवान भक्त को ज्यादा प्रेम करते हैं कि राक्षस को ज्यादा करते हैं? हम तो देख रहे हैं, तुमने बड़े बड़ी कथाएं सुनी है, हम सुन रहे हैं 15 दिन में यहाँ सत्संग होता है, कहा सुनो तुमने? भगवान को कौन ज्यादा प्रिय है, राक्षस प्रिय है कि भक्त प्रिय है? भक्त प्रिय है। अच्छा बताओ भक्तों के लिए भगवान ज्यादा है कि राक्षसों को भगवान ज्यादा है? चलो, गज के लिए भगवान आए थे तो ग्राह के लिए आए थे? लो ये बड़े खराब है। ग्राहक के लिए बुलाया किसने? देखो क्या ध्यान से सुने, बुला रहा है गज और उदार हो रहा है ग्राहक का। बुला कौन रहा है? गज और उधार ग्राहक कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आई। भगवान दोनों पर बराबर करते हैं, भक्त से ज्यादा भगवान जो उनका शत्रु है उसका कल्याण करते हैं। वो कल्याण क्यों करते हैं? वो पुराना उनका भक्त ही होता है। भगवान के दो ही कारण हैं, भक्त के लिए आए हैं और या वो अभक्त के लिए आए हैं। अब हमें बनना क्या है, चाहे जो भी बनो भगवान मिल जाए, राक्षस बन के आवे चाहे भक्त बन के आवे। एक और बात बताए, आप अपने दुश्मन को ज्यादा याद करते हो कि प्रेमी को? किसको याद करते हो, दुश्मन को कि प्रेमी को? झूठ बोल रहे हो। हम ज्यादा याद अपने दुश्मन को ही रखते हैं, कहीं ऐसा ना हो मैं जाऊं वो मार ना दे, वो सावधानी। हम याद दुश्मन को रखते हैं और भगवान कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम दुश्मन बन के याद करते हो कि भक्त बन के याद करते हो, फर्क पड़ता है कि तुम मुझे कितनी बार याद करते हो। अच्छा बताओ हमें लोग कितनी बार याद करते हैं? मुझे कौन कौन याद करता है? कोई याद नहीं करता है, हमें तो अपनी औकात पता है, हमें कोई याद नहीं करता है, क्यों? हम ही किसी को याद नहीं करते, हम भी किसी को याद नहीं करते। तुम याद नहीं करते तो क्या परेशानी, हम भी याद नहीं करते। हाँ, जो हमारे हैं वो हमें हमेशा याद करते हैं, पर जो हमारे नहीं थे वो पहले भी याद नहीं करते थे और कल भी याद करने वाले। जो हमारा है हम उनको माला पहनाए या डांटे फर्क नहीं पड़ता, वो हमारा होता है, वो माला को भी अपना उतना ही मानता है और वो अपमान को भी उतना ही मानता है, उसे कहते हैं हमारा।